God, give their voice. Lalita! Hey guys, what's up? तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है गौरव, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज है 17th of November और आज मैं जाने वाला हूँ कार्बी आंगलोंग डीफू तारालांगसो। और गाइज आज होने वाला है कार्बी आंगलोंग डे 2022 का सेलिब्रेशन वहाँ पे, और आज लाइव कॉन्सर्ट्स भी होने वाला है। तो आज का वीडियो, ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को एंड तक मज़ा ज़रूर रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और गाइस मैं अभी तैयार हो चुका हूँ और अभी मेरे को पापा लेके जाएंगे स्टेशन। वहाँ से मैं और मेरा एक दोस्त आज जाने वाले हैं, तो हम दोनों मिलके आज जाएंगे। तो चलिए दादा। तो गाइस ट्रेन तो मिला नहीं, तो अभी मिल चुका है बस। बस से हम लोग जा रहे हैं डिपू, और ये बस में एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये डायरेक्ट हम लोग को स्पॉट में लेके जाएगा जहाँ पे आज प्रोग्राम होने वाला है। और जो कार्बी आंगलोंग डे का फेस्टिवल है, कार्बी आंगलोंग डे का जो सेलिब्रेशन है वो कल से ही शुरू हो गया था, पर आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज आने वाले हैं सुनिधि चौहान और बाकी जो जो बड़े बड़े सिंगर्स और एक्टर्स आने वाले हैं, वो आज आने वाले हैं। तो इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग बस से डिपू पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे सब लोगों ने मिलके कुछ खाने के लिए प्रिपेयर किया था, तो सब लोगों को एकदम अच्छे से खाना वाना खिलाया, इसमें मैं और मेरा दोस्त भी खाना खा चुके हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे, फिर और एक बस करके हम लोग जो मेन स्पॉट है तारालांगसो में जहाँ पे आज प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पे जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आज बहुत मज़ा होने वाला है। यहाँ पे प्रिपरेशन देख के समझ में आ रहा है कि वहाँ पे आज कितना ज़्यादा मज़ा होने वाला है, बहुत लोग होने वाले हैं आज यहाँ। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, तो यहीं पे आज होने वाला है प्रोग्राम। तो अभी बस से हम लोग आ चुके हैं डिपू स्टेशन से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गूगल में आप लोगों को दिखाएगा 10 मिनट्स, पर 20 मिनट समथिंग लग जाता है। पर एक चीज़ यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये है यार, धूल देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा धूल है। भाई बहुत रिस्की है भाई यहाँ से उतरना। हम लोग आए थे ये म्यूज़ियम देखने के लिए और प्रोग्राम हो रहा है नीचे, तो अभी हम लोग ऊपर से आए थे तो उस रास्ते से चढ़ के, और अभी जाना पड़ रहा है इस रास्ते से उतर के, क्योंकि और थोड़ी देर में ही प्रोग्राम शुरू होने वाला है 5 बजे से। तो 5 तो अभी थोड़ी देर में बजने वाला है, तो अभी जल्दी चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उस प्लेस पर। यहाँ से एंट्री होता है, पर हम लोग इधर से घूम के आए हैं, इधर से घूम के, तो इधर से जाके यहाँ पे होने वाला प्रोग्राम। यहाँ पे लगा हुआ है मेला, एंड गाइस दे आर द फाउंडर्स ऑफ कार्बी आंगलोंग, द टॉर्च बियरर्स आर्ट गैलरी। तो गाइस अभी हम लोग हैं जो यहाँ पे एक मेला टाइप बना है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये कार्बी आंगलोंग का मैप, और यहाँ पे पूरा एक अच्छे से एक मेला बनाया गया है।
और उधर जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे होने वाला है आज प्रोग्राम। तो और ज़्यादा देर नहीं है, अभी बज रहा है टाइम 4:30 बजे, तो 5 बजे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और इधर भी लगता है एक छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, और यहाँ पे ड्रम सेट सिंगिंग कुछ होने वाला लगता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़े लोग आएंगे, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए, और यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। आ गया भाई, लाइट आ गया। तो भाई अभी हम लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सबसे अच्छा चीज़ लगा यहाँ पे सब लोग को बैठने के लिए चेयर भी दी है। आप लोग लोग देखिए बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, और सबके अंदर स्पेस बहुत खतरनाक है। द्रविड उत्कलभङ्ग विन्द हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा। द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टार्ट सून, तो वी आर सो एक्साइटेड फॉर द प्रोग्राम। तो गाइस ये है लोकल आर्टिस्ट, मतलब एक लोकल आर्टिस्ट कार्बी एंगलोंग के, पर बहुत मस्त गा रहे हैं भाई, जो भी कहो भाई बहुत मस्त गा रहे हैं। अभी तो जो लोकल आर्टिस्ट है वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, पर वी आर वेटिंग फॉर सुनिधि चौहान एंड रितु रिवा। करण कपूर इज हियर मैन। तो सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है, पता है क्या क्या क्या? ललिता ललिता। शक्ति कपूर को सामने से देख रहा हूँ, इट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। It is a real, real, real dream come true moment for me. I am so happy at this moment. Shakti Kapoor! Our honorable and respected CM sir. Thank you. Can you believe it? No, but it is true. आपका जो dialogue है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं worldwide famous है। हमने तो बोल दिया है, आपकी आवाज में सुनेंगे तो ही मारेंगे। Yes! Yes! Lolita! 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 Oh! Lolita! Lolita! Oh! 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 मैं बहुत हर्रानी और शोर किस्म का आदमी नहीं हूँ। मेरा नाम है नंदू। ओ भाई, ये मेरे राजा बाबू तो गए ये राजा बाबू चलो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हैं। ओ भाई कितना मजा आ रहा है, सब लोग कितना हंस रहे हैं, ए तू हंसता क्यों नहीं, तेरी मामा नहीं क्या? ओ भाई
मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो 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 आंखें निकाल के गोटिया खेलता हूँ सालों से उसे भक्ति भरपूर कहते हैं और लो और जो ना छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं ओ भाई लगता है आप कुछ और भी करने वाले हमने एक्टिंग तो की है डायलॉग के सब दीवाने पर आज हमने सुना कि आप गाना भी गाने वाले हैं गाना गाने के लिए सुनील जी आई हैं आई है ये देखिए खूबसूरत सी लड़की खड़ी है शुक्रिया अभी इसमें कसूर हमारा नहीं है देखिए भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई उसके बाद भगवान सो गया उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया उसके बाद फिर सो गया ओ भाई लेकिन उसके बाद भगवान ने लड़की को बनाया ना खुद सोया ना हमको सोने दिया ओ भाई 100/100 गुस्से में कैसे निकलता है ये डायलॉग ये बताइए अभी अभी अंडे से बाहर निकला है मेरी इंटरव्यू ले रहा है मेरी कपूर सर ऐसा मत बोलिए कपूर थोड़ा तो मतलब लड़की देखी तो हमको भी भूल गए सर मैं तो कपूर हूँ अरे ऐसे माहौल में आदमी इनको देखेगा कि तेरे को देखेगा अभी क्या करे रोस्ट कर दिया भाई कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए ये तो हमें मिल ना सकी हम कुत्तों के साथ यार बन गए ओ भाई खतरनाक भाई दारू का कोई कसूर नहीं है राम युग में दूध मिला कृष्ण युग में घी अपने युग में दारू मिली खूब दबा के पी अरे तेरी भाई ओ भाई एक से एक शायरी सुनने को मिल रहा है भाई ओहे आई न जग से लाज मैं इतना जोर से नाचिया के घुंघरू टूट गए बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ वाह पिक्चर में किसी लड़की को आऊ नहीं बोला तो आऊ ललिता मेरे कन्ने चक्कू है चांद लगा दी एक बार शक्ति कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए आओ बार बार देखो हजार बार देखो ये देखने की चीज है हमारा दिल दुबारदार हो Thank you, ladies and gentlemen. Lolita. I love you all. Love you all. We love you love all, you sir. All. Three, two. One, ladies and gentlemen. Presenting to you, Rino Riva. 5 बजे से wait कर रहे थे तुम्हारा कहाँ थे इतने देर? कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फिजूल मेरा गाया मुझको है तेरे करीब ये फिजूल मेरा चाहत तेरी
लगाओ भाई। क्रेज देख रहे हो भाई, क्रेज देखो, क्रेज देखो। ये भैया चेयर उठा लिया भाई, रख दो रख दो। एक तू ही है जिसे पर अपना माना। It's time for Hiranja. Yeah, we. तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। तेरी तो आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूँ, ये बन के रहूँ सदा दिल शावा। तू मेरी हीर मैं तेरा राजा, करता हूँ मैं खुद से वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी। Now you're going to witness something that you've never ever seen before. Oh,
सब्जी हो जाए। ये पल ओ मैन सच में यार याद आएंगे ये पल हमेशा हमेशा के लिए। ओए नीम के पकोड़े विशा किरने छोरे घूमे जाए भाई अभी तो मुझे ये वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना कॉपीराइट पड़ जाए, क्योंकि सुनिधि चौहान मैम ने जो गाना गाया मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। उन्होंने ऐसा गाया मतलब उस दिन प्रूव हो गया सुनिधि बुलंद चौहान मैम इज़ ए ट्रू लेजेंड और उन्हें कोई ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है भाई। उन्होंने ऐसा गाया रियल रियल से भी अच्छा गाया लगता है ऐसा मेरे को लगा। तो आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस कल प्रोग्राम में मैं गया हुआ था और वहाँ पे जाके बहुत मज़ा किया मतलब बहुत ज़्यादा। पर एट द एंड वहाँ पे 1:30 बजे तक प्रोग्राम हुआ पर मेरा वहाँ पे रहने का मन था पर मेरा फ़ोन का बैटरी पूरा डेड हो गया था। नहीं तो मैं आप लोगों को वहाँ पे रात को और भी सुंदर लग रहा था वो जगह वो सब मैं सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा था। पर बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। और साथ में जो मेरा दोस्त गया हुआ था उसका भी फ़ोन का बैटरी पूरा डेड हो गया था और वहाँ पे टावर भी नहीं मिल रहा था कि अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सकूँ। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। डे तो स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा गया भी बहुत अच्छा बस रात को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और आते आते भी बहुत लेट हो गया। पर वो सब को छोड़िए बुरा चीज़ सोच के कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा चीज़ के बारे में बोलते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में ज़रूर से कॉमेंट कीजिएगा। आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस और एक बात तो मैं आप लोगों को कहना ही भूल गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप लोग उस वीडियो के लिए एक्साइटेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आप लोगों को मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस बाय बाय।